नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ स्वागत है। तो आज आपके राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए आज सबसे बड़ी जो है अपडेट आ गई है। तो मैंने आपको काफ़ी दिनों से डेली अपडेट करता रहता हूँ कि जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है उसको लेकर आज आपके लिए एक और खुशखबरी आ गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आज जो एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और उसके अंदर कहा गया है कि जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है उसको स्थायी किया जाएगा। यानी जो पहले नियमित या संविदा पर जो भर्ती होनी थी अब उसको स्थायी कर दिया गया है। तो आज उसकी सबसे बड़ी अपडेट आ गई। मैं पूरी आपको उस प्रेस नोट को दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आगे भी इस प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर एकदम प्रूफ के साथ में और सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर मिलती रहती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये CM गहलोत के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशकों की होगी नियमित भर्ती, विद्यालयों शिक्षण संस्थानों को खोलने पर सैद्धांतिक सहमति। यानी दो दो अपडेट एक साथ दी गई है। जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है उसको लेकर अपडेट दी गई है, इसके साथ ही जो कॉलेज स्कूल खोलने को लेकर भी सबसे बड़ी अपडेट दी गई है। तो आप इसके अंदर जो है इसमें पूरे नोटिस है अशोक गहलोत के द्वारा, जो शाम को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसके अंदर निर्णय लिया गया है अशोक गहलोत के द्वारा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती थी उसका जो संविदा पर किया गया था उसको अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है इसको जो स्थायी कर दिया गया है। अब ये संविदा पर ना होगी, स्थायी नियमित भर्ती होगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो प्रेस नोट है अशोक गहलोत के द्वारा जारी किया गया है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे भी इस प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।